थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की। आज की शाम हम फिर से इस मुबारक समय में खुदावंद खुदा की हुजूरगी में आए हैं और खुदा ने हमें यह अनुग्रह दिया है कि आज हम इस ऑनलाइन सेवा को प्रारंभ कर सकें सिनेगोग को। और ये खुदा का अनुग्रह है, खुदा का फजल है, ये उसकी मर्जी थी, उसकी योजना थी कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। और कुछ दिन पहले परमेश्वर ने इस बात की हमें अगुवाई करी कि हम इस सेवा को प्रारंभ करें। और आज खुदा का अनुग्रह है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं क्योंकि उसने हमें ये दिन उसने दिया है और उसके वसीले से ये काम प्रारंभ किया गया है। और ये इस सेविकाई का यही उद्देश्य है कि इससे जातियों के लिए, राज्यों के लिए, हर एक स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवानों के लिए प्रार्थनाएं की जाएं, प्रार्थना के द्वारा उनके जीवनों में छुटकारा है। क्योंकि परमेश्वर का घर से जो प्रार्थनाएं की जाएंगी उनका प्रत्युत्तर हर एक को मिलेगा। परमेश्वर हर एक का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इस जो ये जो सेविकाएं जो प्रारंभ की गई है, ऑनलाइन जो सेविकाएं है, इसका उद्देश्य यही है कि हर एक के लिए प्रार्थनाएं की जाए, हर एक के दुख दर्द को दूर किया जाए प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सब छुड़ाए जाए। इसलिए इस ऑनलाइन सेविकाई का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम इसके द्वारा हर एक को खुदा के करीब ला सकें, खुदा के प्रेम के नजदीक ला सकें। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां परमेश्वर है, और जहां परमेश्वर का प्रेम नहीं वहां कोई नहीं है। इसलिए हम सबके सब मिलकर इस इबादत के लिए खुदा का शुक्रगुजार है कि खुदा ने बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। बहुत से लोग इस चीज को चाहते थे कि हम इस सभा को प्रारंभ करें। बहुत सी बहनों का, भाइयों का उद्देश्य था, वो हमसे कहते थे कि भाई आप ऑनलाइन सभा को प्रारंभ करें, ऑनलाइन सभा को प्रारंभ करें। मगर जब आज हमें प्रभु ने अगुवाई दी कि हम इसे करें तो आज वो दिन आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। ये सब कुछ खुदावंद खुदा की मर्जी है कि उस मर्जी के अनुसार हम लोग आज खुदा की परस्थिति के लिए, आज खुदा के योजना के तहत, उसके कलाम के तहत रूबरू हैं। और अब जब हम सब लोग यहाँ हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन उसमें बना रहेगा तो वो जो कुछ मांगे उसके लिए वो हो जाएगा। क्योंकि हमें केवल और केवल मसीह के वचन में बना रहना है। क्योंकि साफ साफ लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस भवन का उद्देश्य यही है, इस सिनेगोग मिनिस्ट्री का उद्देश्य यही है कि यहां से की जाने वाली प्रार्थनाएं, खुदा के घर से की जाने वाली प्रार्थनाएं हर एक जीवन को छुटकारा दे, चंगाई दे और उसके जीवन को नया कर दे। क्योंकि यीशु सब कुछ को बदलने आया है, आपको यीशु देने के लिए आया है, आपको यीशु आपको नया करने के लिए आया है। मेरे भाई और बहनों, आपका यीशु आपके लिए आज नया करने आया है, उसके पास आपके लिए नया है। सो मैं आपको फिर से सबको यीशु मसीह में सलाम कहता हूं, यीशु मसीह में सबको आशीष देता हूं और यही कहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, हम निरंतर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। परमेश्वर जैसे जैसे अगुवाई करते रहेगा, हम खुदावंद की इच्छा के अनुसार आपके साथ उसके 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 वचन के अनुसार हम कलाम होने पाएंगे, उसके वचन के अनुसार होने पाएंगे, अपनी इच्छा में नहीं खुदा की मर्जी में होने पाएंगे। क्योंकि खुदा की मर्जी से बढ़कर कोई और मर्जी नहीं हो सकती। मेरी मर्जी कुछ नहीं, खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए। हम खुदा की इच्छा के लिए, उसकी योजना के लिए यहां एकत्रित हैं और इस सिनेगोग का उद्देश्य यही है। क्योंकि इस घर से की जाने वाली प्रार्थना का उत्तर प्रभु का वचन कहता है, इतिहास की किताब में लिखा हुआ है ना। तो हम लोग यहां इसलिए हैं, हम लोग यहां इसीलिए हैं। सो मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आप सबका फिर से हम धन्यवाद करते हैं। हम कुछ पल एक वचन को पढ़ेंगे आज की शाम, और वो वचन जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 12वें पद में है। देखिए, हम यूहन्ना की किताब को निकालेंगे, द चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 12। वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जगत की ज्योति मैं हूं। कौन है जगत की ज्योति? जगत की ज्योति कौन है? वो कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति मैं हूं। यीशुआ एकमात्र यीशुआ ही है जो जगत की ज्योति है। यीशु के अलावा कोई भी जगत की ज्योति नहीं है। यदि आप चाहते हैं ज्योति में चलना तो यीशु को थाम लीजिए। यदि आप चाहते हैं ज्योति में बने रहना तो यीशुआ को थाम लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप ज्योति की संतान कहलाएं तो आप यीशु मसीह के साथ बने और ठहरे रहें। क्योंकि
उसके संग रहने से आप उसकी ज्योति में सिद्ध हो सकते हो, क्योंकि लिखा है जगत की ज्योति मैं हूं, वो जगत की ज्योति है, और जो कोई उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। देखिए उसके पास फिर अंधकार नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, जो उजियाले के पीछे चलता है उसके लिए फिर मार्ग में कोई कंकड़ पत्थर कांटे ठोकर चोट खरोच कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस उजियाले के पीछे चल रहा है जो सृजनहार है, जो उजियाले का रचने वाला परमेश्वर है, जो स्वयं उजियाला है, और उसके उजियाले में जो चलता है उसके लिए मार्ग में ठोकर नहीं होती। आप उस उजियाले में चलें, आप प्रभु के उजियाले में चलें। प्रभु के उजियाले में चलेंगे तो मेरे भाइयों और बहनों आप कभी भी ताउम्र ठोकर नहीं खाओगे, वरन कहने पाओगे अब्बा तेरा धन्यवाद, तेरे वसीले से मैंने ठोकर नहीं खाई, क्योंकि मैं तेरे प्रकाश में चला और क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तुझ में मेरे लिए मेरे मार्गों में केवल और केवल आशीष और बरकतें थी। इसीलिए जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस हालेलुया। यदि आप चाहते हैं जीवन की ज्योति, तो जीवन की ज्योति केवल और केवल यीशु है। आपके पास जीवन की ज्योति कौन है? यीशु। आपकी ज्योति यीशु है, आपका उजियाला यीशु है। देखिए उस फिर से इस पद को समझ लीजिएगा, जगत की ज्योति प्रभु यीशु है, और जो इस जगत की ज्योति के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं। भाइयों और बहनों आपके पास अवसर है आज इस सिनेगॉग मिनिस्ट्री से, मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आप इस जगत की ज्योति के पीछे चलें, आप इस उजियाले के पीछे चलें। निश्चित जानिए जब आप इस उजियाले के पीछे चलेंगे आपके लाइफ में ठोकर नहीं होगी, आपके लाइफ में चोट खरोच नहीं होंगी, आपके लाइफ में दुख पीड़ाएं नहीं होंगी, मगर आपके लाइफ में एक होगा जो यीशुआ है, केवल और केवल यीशु है। मेरे अजीजों इस ज्योति को थाम लीजिए, भटकिए मत, इस ज्योति के पीछे चलना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि यही मेमना वो दीपक है, यही मेमना वो उजियाला है। जब आप इसकी ज्योति में चलेंगे तो निश्चय जानिए चाहे वो आप हो, आपकी संतानें हो, आपके घर में कोई भी क्यों ना हो, वो फिर कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो फिर कभी किसी पीड़ा में नहीं आएगा, वो फिर कभी किसी दुख और दर्द में नहीं आएगा, क्योंकि यीशु ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। क्योंकि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, वो जगत की ज्योति है, और जो उसके पीछे चलता है वो फिर कभी भी उसके लाइफ में फिर कभी अंधकार नहीं होता। माय डियर पीपल, उसके लाइफ में अंधकार नहीं है। याद रखिए इस बात को, यीशु के पीछे चलना ही उजियाला है, यीशु के पीछे चलना ही जीवन है, क्योंकि उसके लिए फिर अंधकार कभी नहीं, उसके लाइफ को अंधकार छू नहीं सकता, उसके लाइफ को अंधकार टच नहीं कर सकता, क्योंकि जिस उजियाले ने उसको पकड़ लिया है उस उजियाले का सृजनहार कौन है? यीशुआ स्वयं, उसका मालिक यीशुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हम उसके उसके अधीनता में रहें, उस प्रकाश के पीछे चलिए, तो भूल जाएंगे आप कि आपके दाएं क्या है और आपके बाएं क्या है, क्योंकि आपके सामने जो प्रकाश है उस प्रकाश का नाम यीशु है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। आज इस जीविते को आप ले लीजिए, क्योंकि साफ साफ कलाम कहता है परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपको जीवन की ज्योति पानी है, आपको जीवन की ज्योति लेनी है, मगर जीवन की ज्योति को लेने के लिए आपको ज्योति के करीब जाना पड़ेगा। यदि आप ज्योति के करीब नहीं जा रहे हैं तो आप ज्योति को होल्ड नहीं कर रहे, आप ज्योति को पकड़ नहीं रहे, आप ज्योति के पीछे बने नहीं रह रहे हैं। जैसे जैसे कैंडल है, कैंडल में क्या है? वैक्स है, और वैक्स के अंदर एक चीज है, क्या? एक बत्ती है, और उस बत्ती को किसने पकड़ा हुआ है? उस बत्ती को वैक्स ने पकड़ा हुआ है, उसे दबाया हुआ अपने अंदर, और क्या करती है वो बत्ती उस वैक्स से क्या होती है? जलती है। यदि उस बत्ती पर उस रेशे पर उस मोम का उस वैक्स का अगर संपर्क ना रहे तो वो बत्ती अपने आप में कुछ भी प्रकाश नहीं दे सकती। जैसे दीवट में रखा हुआ तेल और उसमें जलती हुई बत्ती, यदि उसमें वो तेल नहीं है तो बत्ती अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं है। दोनों का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ होकर काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ होकर के ही चलते हैं,
वैक्स उस बत्ती को लेकर के चल रहा है, दिए में रखा हुआ तेल उस 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 जो रेसा उसके बीच में रखा हुआ जो जल रहा है, दोनों में रिलेशन है, एक दूसरे के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही मनुष्य भी यदि परमेश्वर का उजियाला आपके जीवन में, यीशु मसीह नासरी जो जगत की ज्योति है, यदि वो आपके जीवन में नहीं है तो आप अंधकार में है। मेरे भाई और बहनों, आप गफलत में मत रहिए। आज मनुष्य अपने समय को इन्हीं दुनियावी बातों में व्यतीत कर रहा है और वो इस अलौकिक ज्योति को छोड़ देता है। वो कहता तो है कि मैं चल रहा हूं, मगर मालूम नहीं वो कैसे चल रहा है। आपको चलना है, आज मैं आपको ये देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि प्रभु आपकी ज्योति बनी रहे और आप प्रभु की ज्योति में रहें और वो ज्योति आपके भीतर अलौकिक उजियाले को बनाए रखे और वो उजियाला आप में से कभी भी लुप्त ना होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह वो ज्योति है जो कभी भी अंधकार नहीं होती, जो कभी भी अंधियारा नहीं देती। यीशु मसीह वो उजियाला है जो सनातन उजियाला है, जो युगान युग से उजियाला है। जैसे कलाम मुबारक में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम का दीपक है और परमेश्वर वहां का उजियाला है। देखिए, हम ऐसे ज्योति की संतान हैं, हम ऐसे सृजनहार परमेश्वर की संतान हैं जिसमें अंधियारा है ही नहीं, मगर वो उनके लिए है जो उसके पीछे पीछे चलते हैं। जो उसमें चलता है वो उस उजियाले में कभी भी ठोकर नहीं खाता, कभी भी उसे पीड़ा ही नहीं होती है। क्षण भर के लिए कोई चीज आ जाएगी, मगर वो उस उजाले में बना रहने से उसके मार्गों के अवरुद्ध यीशु मसीह में, यीशु के नाम में हटा दिए जाते हैं। आज की शाम यूहन्ना 8:12 आप लोगों की दशा और दिशा और व्यथा को बदले। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज ये वचन आपकी दशा और दिशा को बदले, क्योंकि ये वचन गुरु यीशुआ ने अपनी वाणी से आपके लिए कहा। यीशु मसीह का वचन है, आसमान और पृथ्वी टल जाएंगी, याद रखिएगा अजीजों, आसमान और पृथ्वी टल जाएंगी, मगर यीशुआ पिता परमेश्वर की कही हुई बातें पूरे हुए बगैर नहीं टलेंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप वचन में बने रहें तो वचन निश्चय आपके लिए काम करेगा, निश्चय ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। मैं फिर से इस वचन को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जगत की ज्योति मैं हूं और वो आपका यीशु है। यीशु अपने विषय में आपको कह रहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। याद रखिए भाइयों और बहनों, फिर आपके लिए अंधकार में अवसर नहीं है, क्योंकि आपने उस ज्योति को थाम लिया है कि जो आपको बस चलाए चलते रहेंगे, आप उसमें चलाए माने आप चलते रहेंगे, क्योंकि ये ज्योति जीवन की ज्योति है। इस ज्योति में जीवन है, इस ज्योति में क्या है, जीवन, और आपका जीवन आपसे कभी लिया नहीं जाएगा इन द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि आप जगत आप ज्योति के संतान हैं, आप संसार की नहीं, आप ज्योति के संतान से पैदा हुई संतान हैं। इसलिए there is a light in your life because of the Lord God Almighty, because He is your Savior God, because He is your Healer God, because He is your Miracle God, and God will do each and everything for you, my dear people। मैं आज की शाम आपको यही कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस सेविकाई के द्वारा आपके जीवन में राज्य आए, प्रभु आपकी दशाओं को दिशाओं को बदले, खुदा का कलाम आपके जीवन में नया करे, प्रभु का वचन आपके लिए सब कुछ बदल सकता है, मगर बस आपका काम केवल और केवल इतना है, वचन में चलना, वचन में बने रहना, वचन के पीछे हो लेना। जब आप वचन में बने रहेंगे तो आपके लिए सारी चीजें बनी रहेंगी। बस वचन में बने रहिए, वचन को खाइए, वचन को पिए, वचन को जिए, वचन से दाएं बाएं ना हो, क्योंकि ज्योति प्रभु यीशु है, उज्याला प्रभु यीशु है, और इस कलाम में मुबारक से आपको उज्याले ही की बात मिलेगी। कलाम आपको उज्याला दे रहा है, कलाम आपको नया जीवन दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया कि आप जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आज मैं उस बहुतायत की घोषणा यीशु मसीह के नाम से करता हूं कि आप लोगों के जीवन में यीशु मसीह की बहुतायत आए और उसकी बहुतायत आपके जीवनों में उसके वचन के अनुसार पूरी हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और खुदा की मर्जी आपके जीवनों में पूरी हो जाने पाए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि खुदा की मर्जी आप लोगों के जीवन में इस वचन के अनुसार होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर सामर्थ्य पिता, हम एक बार फिर से आपके बड़े और भले नाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु।
प्रभु जी। ओ प्रभु आज की शाम प्रभु जी, जब प्रभु हमने आपने हमें यह अवसर दिया कि इस सेविकाई को प्रभु जी ऑनलाइन किया जाए, प्रभु आप इसके संस्थापक हैं, आप इसके फाउंडर हैं और आप ही इसमें मुखिया हैं प्रभु जी, आप इस सेविकाई के बॉस आप हैं प्रभु जी, आप इसके ऑनर हैं प्रभु जी, आप इसमें प्रथम हैं प्रभु जी, हम तो केवल आपके पीछे इसमें चल रहे प्रभु। जो जो आज्ञा आपने दी है, जो ऑर्डर आपने दिया है कि इसे तुम ऐसा करो प्रभु, केवल हम आपकी आपकी कई भी बात को पूरा करने के लिए प्रभु इस ऑनलाइन सेविकाई के द्वारा प्रभु आए हैं प्रभु जी। जैसे आपने कहा प्रभु बीते दिनों में कि तुम ऑनलाइन जाओ, और प्रभु जी हम आज प्रभु जी जब पहली बार प्रभु लोगों के संग, ओ प्रभु आपके वसीले से, क्योंकि आप अपने सेवक के आगे आगे हैं, मैं तो केवल आपके पीछे छिपा हूं प्रभु जी। मिनिस्ट्री आपकी है, मिनिस्टर आप हैं, हीलर आप हैं, डिलीवरर आप हैं, मिरेकलर आप हैं, सब कुछ आपने करना है प्रभु जी। प्रभु मैं तो केवल आपके चरणों का सेवक आपके पीछे खड़े होकर प्रभु जी आपके कामों को देखने आया हूं प्रभु जी। और प्रभु राजा जितने लोग आज सुनते हैं, जितने लोग इस वक्त प्रभु जी ओ प्रभु इसे देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु तेरा राज्य है प्रभु जी। ओ प्रभु आप जगत की ज्योति है प्रभु, ओ प्रभु वो ज्योति प्रभु आपके बेटे और बेटियों में चमकने पाए प्रभु जी। प्रभु ये आपके प्रकाश में प्रकाशमान हो जाए, जैसे आपका कलाम कहता है कि उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरी आरोहण के संति तेरे निकट आएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु जी आज प्रभु ये इस प्रकाश में चले, क्योंकि वो प्रकाश हे पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो प्रकाश आप हैं, और ये आपके प्रकाश को थाम ले, आपको थाम ले, आपके पीछे हो ले प्रभु, फिर इनके जीवन के किसी भी कोने में कोई अंधकार इन्हें छूने ना पाए, भेदने ना पाए प्रभु जी। प्रभु आज के शाम जितने लोग प्रभु इसे देखते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके नाम से उनकी जीवनों की दशा और दिशा और व्यथा सब कुछ बदल जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस एंड बाय द पावर ऑफ माइटी होली स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु हर एक के मन को बदले, सोच को बदले, विचारों को बदले, कि ये जानने पाए कि जगत की ज्योति यीशु मसीह नासरी है, और ये उज्याला कभी भी लुप्त नहीं होने वाला उज्याला है। ये वो उज्याला है जो युगान युग से बना है, और अल्फा और ओमेगा तक बना रहेगा। इस उज्याले का कभी भी अंत नहीं होने पाएगा, क्योंकि ये उज्याला स्वर्ग से उतरा हुआ उज्याला है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके उज्याले से लोगों को भरे। प्रभु यीशुआ मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु आपने कहा तू मुझसे मेरे नाम से मांग तो मैं उसे करूंगा। यीशुआ मैं मांगता हूं कि आज जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग देखते हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह आपका उज्याला विद्यमान हो जाए। ओ प्रभु वो तेरे उज्याले से भरपूर और परिपूर्ण हो जाए, और प्रभु उनके उनके जीवन में अंधियारा कभी ना आने पाए प्रभु जी। आज से प्रभु मैं हर एक को यह आशीष देता हूं प्रभु आज, कि हर एक आपके प्रकाश से प्रकाशमान हो जाए, और हर एक का जीवन आपके उज्याले से भरा और भरपूर रहे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जैसा वचन में लिखा है कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, प्रभु आप वो सूर्य है कि आप कभी भी आज दिन तक अस्त नहीं हुए हैं, और ना ही युगानुयुग कभी अस्त होने वाले हैं। ओ प्रभु आप इनके मुखमंडल पर सदैव चमकते और दमकते रहे प्रभु जी। तमाम सुनने वाले भाइयों को, बहनों को जो आज की सभा में सम्मिलित हुए, जितने लोग इस प्रार्थना को प्रभु देखते हैं, यीशुआ रजुलमा शिखुरिया दनमा शनबरा खोलबो शेखेरे भी रिदना दनबा बालमा शोकुरिया खाजर रबा मिशिखे ने मिशोलो बुरादी न्योस्तो लेम्रो इबोको जो रोबो शेखे रिखाजर रबा शना लमा खोलबो रो खोलबो। हाँ प्रभु अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार, इन सब के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए प्रभु अपने वचन को और अपनी योजना को आप पूरा कीजिए प्रभु जी, आप पूरा करें प्रभु जी। प्रभु हमने सब कुछ और सब कुछ आप जीवित यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जलाल के नाम से मांगा है, क्योंकि आपने कहा तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो। इस प्रार्थना और विनती को प्रभु हमने केवल आपके नाम से मांगा है, इसे सुने और स्वीकार करें। आप पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशुआ के कदोस और कयूम नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। तो सबको जय मसीह की। तमाम भाई और बहनों को फिर से मैं जय मसीह का कहता हूँ, और आप सबके जीवन में खुदा की मर्जी, खुदा का वचन यूं ही बना और ठहरा रहे, और उसकी जो इच्छा आप लोगों के लिए वो आपके जीवनों में पूरी होती चली जाए। खुदा बाप के बेटे यीशुआ के नाम में आमीन। सबको यीशु में शालोम, शालोम और शालोम। गॉड ब्लेस यू।